कहते हैं ना, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दिन वही होता है जब माँ बाप अपने बच्चों के नाम से जाने जाएं। हैदराबाद निवासी अश्विनी जायसवाल भी अपने बच्चों की विलक्षण प्रतिभा से फेमस हो गए। आज उनके दोनों बच्चे 18 वर्षीय नैना और 12 वर्षीय अगस्त्य किसी परिचय के मोहताज नहीं। छिंदवाड़ा पहुंचे दोनों बच्चों ने पत्रिका से अपने अनुभव शेयर किए। नैना ने 8 वर्ष की उम्र में 10वीं और 10 साल की उम्र में 12वीं पास कर सभी को चौंकाया था। नैना दोनों हाथों से लिख सकती हैं। नैना का दावा है कि वो ए से जेड तक महज 2 सेकंड में टाइपिंग कर सकती हैं। टेबल टेनिस में इंटरनेशनल प्लेयर नैना नेशनल एवं साउथ एशियन चैंपियन भी रह चुकी हैं। म्यूजिक के शौकीन नैना को रामायण के 108 श्लोक कंठस्थ हैं। अभी नैना 18 वर्ष की हैं और PhD कर रही हैं। वहीं नैना का भाई अगस्त पियानो के साथ कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है। अगस्त ने अपनी बहन से ही सब कुछ सीखा है। 12 वर्षीय अगस्त ने 2 साल की उम्र में 300 सवालों के जवाब देकर सभी को हैरानी में डाल दिया था। इसके बाद वो अक्सर अपनी प्रतिभा से सबको हैरान करते रहे। अगस्त ने बताया कि उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में 10वीं और 10 वर्ष की उम्र में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अभी वो स्नातक द्वितीय वर्ष में हैं। अगस्त दीदी की तरह ही अच्छे टेबल टेनिस प्लेयर हैं। वो पढ़ाई पूरी कर टेबल टेनिस पर पूरा ध्यान देते हैं। इसके साथ ही दोनों सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। नैना और अगस्त के पिता अश्विनी कहते हैं कि जब मेरे घर बेटी का जन्म हुआ तो लोग कहने लगे कि अब तुम दहेज के लिए पैसे जुटाना शुरू कर दो। इस बात को लेकर पत्नी नाराज हुई। उन्होंने कहा कि हम बेटी को प्रतिभावान बनाएंगे और समाज को जवाब देंगे। हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा लेकर दोनों बच्चों की परवरिश शुरू की और आज परिणाम सबके सामने हैं। अभी मैं 18 ईयर्स की हूँ और मेरा PhD चल रहा है। मेरा टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इन वुमेन एम्पावरमेंट। और इसके साथ टेबल टेनिस में नेशनल चैंपियन हूँ और साउथ एशियन चैंपियन भी हूँ। दोनों हाथों से लिख सकती हूँ। टाइपिंग में 8 से 10 सेकेंड में टाइप कर सकती हूँ। पियानो प्लेयर भी हूँ और सिंगर भी हूँ। रामायण के 108 मान का कंटेस्ट है और मैं हैदराबाद से हूँ तो हैदराबाद की जो बिरयानी होती है वो 25 मिनट में बना सकती हूँ। मैं अभी 12 साल की उम्र में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने जब 8 साल का उम्र था जब मैंने 10th कंप्लीट किया और 10 साल की उम्र में मैंने 12th कंप्लीट किया और अभी तो 12 साल में ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर।